हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूँ कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ पे श्वसन के बारे में बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, आपने जाना। हम श्वसन क्यों करते हैं और अलग अलग अवस्थाओं में श्वसन दर जो है वो अलग अलग क्यों होती है, आज हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास अभी तक हमने बात की है श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है, श्वसन क्यों होता है, सबसे पहले आपने समझा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीवित प्राणी है, वो सभी बने हैं किससे, सेल से मिलकर के, यानी कि कोशिका से मिलकर के, ठीक है। और यही कोशिकाएं मिल करके फिर अंगों का निर्माण करती हैं, और ये जो अंग हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया है, रेस्पिरेशन का हो गया है, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, यानी कि हमारे अलग अलग जो अंग हैं वो अलग अलग कार्य यहाँ पे करते हैं, और ये सारे अंग मिलकर के बने हैं कोशिकाओं से। तो हमारे अंग तभी कार्य करेंगे जब इन अंगों की कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है। क्योंकि जब आपने भोजन के विषय में पढ़ा था तब आपने जाना था कि हम भोजन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त करनी है, ठीक है। अब आप कोई भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा कि आप जब चल रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपको हर काम के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, और वो ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, यानी कि फूड से मिलेगी, ठीक है। अब जो भोजन है, भोजन से ऊर्जा मिलेगी किसे, अंगों को। अंगों से मतलब है कि अंगों जो कोशिकाएं हैं उन्हें मिलेगी, यानी कि हमने कहा कि ये एक कोशिका है। इसी प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर के क्या बनाती हैं, अंग बनाती हैं। तो हमारे अंग को ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब है हमारे अंग की हर कोशिका को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, ठीक है। कहाँ से मिल रही है, हमने कहा वो ऊर्जा मिलेगी भोजन से। अब आपने इतनी बात कर ली थी, हमने कहा ठीक है हमें हर कार्य को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, लेकिन इसका संबंध श्वसन से कैसे है, क्यों हम सांस ले रहे हैं, क्यों हमें श्वसन हो रहा है। तो आपने नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि आप में आपके पास जब हम भोजन का पाचन हमारी बॉडी में होता है तो हमारे पास पाचित भोजन आता है, और वो आता है ग्लूकोज के रूप में। हमने कहा जब पाचन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमारे पास क्या आया, पाचित भोजन आया, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है ये, आपने पाचन पढ़ चुके हैं आप लोग, और आपने ये पढ़ा था कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी होती है, भोजन का पाचन पूरा हो जाता है, इसके फलस्वरूप हमारे पास क्या आता है, पाचित भोजन आता है, जो कि किसके रूप में आता है, हमने कहा ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में आता है, ठीक है, यह ग्लूकोज के रूप में आता है, ठीक है। तो अब से आप पाचित भोजन जब भी कहेंगे आप ग्लूकोज कहेंगे। इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, वो है C6H12O6। सारे बच्चे क्या करेंगे, अपनी कॉपी को लेकर के बैठेंगे, ये चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, फटाफट से हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और फिर इसके आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ इतनी बात की, हमने कहा पाचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हमारे पास पाचित भोजन आता है जिसे हम ग्लूकोज कह रहे हैं। इसी ग्लूकोज से हमारे सारे अंगों को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। इसी ग्लूकोज से क्या होगा, हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन इस ग्लूकोज से ऊर्जा हमें तब मिलेगी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सेम वैसा ही है कि जब आपको बहुत ठंड लग रही है और अगर आपको गर्माहट चाहिए तो आप लकड़ियों को जलाते हैं, ठीक है। जब आप लकड़ियों को जलाएंगे तब आपको गर्माहट मिलेगी, कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी है, जब ग्लूकोज टूटेगा तब हमें ऊर्जा मिलेगी। ये बात सबको पता है, इतनी बात आप सब जानते हैं कि हमें ऊर्जा चाहिए, क्यों चाहिए, हमें हर एक काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, हमें सोने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, ठीक है। वो ऊर्जा हमें ग्लूकोज से मिलती है, और ग्लूकोज से कैसे ऊर्जा मिलेगी, जब ग्लूकोज टूटेगा। इसी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देखिए हमने क्या बात की, हमने कहा हमारे पास आ गया है ग्लूकोज, ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें चाहिए होती है ऑक्सीजन,
जिसे आप O2 भी लिखते हैं। ऑक्सीजन चाहिए, जब ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिलती है तो ये क्या करती है, ग्लूकोज को तोड़ देती है। तो जब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो हमारे पास क्या क्या बना, हमने कहा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बना है, वाटर यानी कि जल का निर्माण हुआ है, और एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है, ये क्या है, ऊर्जा है। इतनी बात क्लियर है, सिंपल सी इतनी बात आप समझ रहे हैं। ग्लूकोज क्या है, हमने कहा ग्लूकोज है पाचित भोजन। ग्लूकोज है पाचित भोजन, यानी कि जब भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है और जो हमारे पास आता है वो है पाचित भोजन, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज से ही हमें ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज से ऊर्जा तब मिलेगी जब ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा अलग अलग भागों में, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ आती है तब यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे आप क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं, जल यानी कि H2O कहते हैं, और आपके पास बनती है ऊर्जा। तीन चीजें हमारे पास बनती हैं, ठीक है। हमारे सबसे काम की क्या है, हमें चाहिए ऊर्जा। इतनी बात सबको क्लियर है। अब देखिए, जिस ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे ग्लूकोज टूटा है, वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जब हम श्वसन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं। तो आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, जब आप सांस लेते हैं, जब आप इनहेल करते हैं यानी कि अंतः श्वसन करते हैं, जब आप सांस को अंदर लेते हैं, तो जब आप अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को आपने क्या किया, अंदर लिया, ठीक है। यही हम करते हैं। और आपको ये बताया जाता है कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप क्या छोड़ते हैं, आप छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो जब आपने सांस अंदर ली तब आपने क्या अंदर लिया, ऑक्सीजन को अंदर लिया, और ऑक्सीजन ने क्या किया, ऑक्सीजन गई, उसने ग्लूकोज को तोड़ा, और ग्लूकोज को तोड़ने के बाद हमें ऊर्जा मिली है। ग्लूकोज जब टूटा हमें ऊर्जा मिली, इसी के साथ हमें क्या मिला, CO2 मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं है, इसीलिए आप CO2 को बाहर फेंक रहे हैं। तो अब आप समझते हैं कि क्यों आप सांस को अंदर ले रहे हैं और क्यों सांस को छोड़ रहे हैं। कितने बच्चों को समझ आया है, चलिए तो अभी तक हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या समझा, हमने कहा कि जब भी हमारी बॉडी में भोजन का पाचन होता है तो तुरंत हमें ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। उस पाचित भोजन से हमें तुरंत ऊर्जा नहीं मिलेगी, यानी कि उस ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा नहीं मिलेगी जब तक कि ऑक्सीजन उसे तोड़ता नहीं है। ऑक्सीजन हमें चाहिए तो हम सांस लेते हैं, हमने सांस अंदर ली, ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा, ग्लूकोज को तोड़ा तो हमारे पास एनर्जी यानी ऊर्जा आई, कार्बन डाइऑक्साइड आया और वाटर आया, ठीक है। ऊर्जा मिल गई है, आपने सांस अंदर ली, आपको ऊर्जा मिल गई है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि हमारे लिए हानिकारक होता है, उसे शरीर से बाहर निकालना है, इसीलिए आप सांस को छोड़ रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि क्या आप श्वसन क्यों कर रहे हैं, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, क्यों आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और क्यों आप कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनती है। सारे बच्चे ध्यान देंगे, मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। GIC भराड़ी सैंड, GIC खालूखेत, बच्चे आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगी कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनी, क्यों हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया अपने शरीर के, ऑक्सीजन ने क्या काम किया है, ग्लूकोज कहाँ से बना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, और हमें ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, ये सारे ही क्वेश्चन आपको अब पता होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट हमने बात की थी हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करता है। तो किस प्रकार मदद करता है, क्या चीज आपने पढ़ी थी, आपने कहा था वी एज वी ब्रीथ वी टेक इन द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इन इट एंड ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू अवर सेल्स हेल्प्स इन ब्रीथिंग डाउन हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फूड एंड वी गेट एनर्जी। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम उस हवा को अंदर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और उस हवा को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब आपको ये पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है, ठीक है, सबको ये पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई है। यह ऑक्सीजन जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है तो भोजन को तोड़ने में मदद करती है और हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है। आज हम जानेंगे व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है,
उससे पहले आप ये बताइए, सब बच्चों को पता है कि कोशिका किसे कहते हैं? हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, जीआईसी भराड़ी सैंड। कितने बच्चों को पता है कि कोशिका किसे कहते हैं? चलिए, कुछ बच्चों को पता है। देखिए, कोशिका, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हमने कहा था कोशिका वह इकाई है या फिर वो सूक्ष्मतम इकाई है जिससे कि हमारा शरीर बना है। यानी कि वो कौन सी चीज होगी जिससे मिल करके हमारा शरीर बना होगा? अगर आप एक एक चीज को खोल करके देखेंगे तो आपके सामने सबसे छोटी जो इकाई आती है कोशिका आती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो उन्हीं कोशिकाओं से मिल करके हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो अब हम ये जानेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। आपने पढ़ा, सेलुलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन डाउन इन साइड द सेल्स विच रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडरगो सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या आपको बताया गया? देखिए, कोशिकीय श्वसन, जिसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, वो होता है सेलुलर श्वसन को या कोशिकीय श्वसन को। ठीक है, सेलुलर की जगह आप क्या लिखेंगे? कोशिकीय श्वसन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम जो भोजन खाते हैं वो कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है और जीवित जीवों की सभी कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। अब ध्यान दीजिए, कोशिकीय श्वसन अलग से नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? एक हमने पढ़ा श्वसन, एक हम पढ़ रहे हैं कोशिकीय श्वसन। देखिए, जो श्वसन होता है, श्वसन के अलग अलग क्या होते हैं? चरण होते हैं। जैसे कि श्वसन में हो क्या रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हमने कहा जो श्वसन होता है, श्वसन के अलग अलग चरण होते हैं। श्वसन के दौरान हो क्या रहा है? सिंपल सी एक चीज हो रही है, जो गैसेस है, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। गैसों में दो गैसें हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। जब भी श्वसन की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं ऑक्सीजन की और CO2 की। अब इनका आदान प्रदान हो रहा है। जहां हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, वहीं हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, इतनी सी प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये अलग अलग चरण में होती है। सबसे पहले आपने क्या किया? जब आप सांस लेते हैं, तो सांस कहाँ से? आप नासा द्वार से जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि आप अपनी जो नाक है, नाक के द्वारा आप क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, और ये जो सांस है, यानी कि ये जो हवा है, ये जो वायु है, ये हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़ों में क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे, देखिए, ये आपका क्या है? ट्रैकिया होता है। ठीक है, जिसे आप टच करते हैं, आप अपनी अगर गर्दन को टच करेंगे, आप अपने गले को टच करेंगे, तो आपको क्या दिखेगा? कुछ पाइप नुमा संरचना दिखेगी और इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। सारे बच्चे टच करिए और देखिए कि सबको फील हुआ या नहीं। जो आपका गला होता है, जहां से आप बोलते हैं, ठीक है, आप जब आप टच करेंगे तो आपको ऐसी एक पाइप जैसी संरचना दिखेगी और बीच में कुछ इस प्रकार की संरचना भी आपको क्या होगी? फील होगी। तो सारे बच्चे फील कर सकते हैं टच करके। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेकिया कहेंगे। ये हमारे क्या हो जाते हैं? लंग्स हो जाते हैं, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। अब वायु यहाँ से आती है, वायु यानी कि ऑक्सीजन। आपने क्या किया? सांस ली, और सांस ली तो यहाँ से अंदर को क्या आया? ऑक्सीजन आया। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ? ऑक्सीजन आया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है? लास्ट में आप देखेंगे ये ब्रांचेस बनी रहती हैं और इस प्रकार की संरचना होती है जिसे आप क्या कहते हैं? एल्विलाई कहते हैं। ये जो गोल गोल संरचना है, ये एल्विलाई कहते हैं इसे। तो ऑक्सीजन जब आपने अंदर ली तो ये एल्विलाई में आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, आ गई, और इसके द्वारा शरीर के अलग अलग भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ पे आ गई है? इन्हीं एल्विलाई में आ गई है। ध्यान दीजिए, जो ऑक्सीजन है वो बाहर से कहाँ आ रही है? हमारे फेफड़ों में आ रही है, और फेफड़ों में ये जो गोल गोल आपको संरचना दिखाई दे रही है, जिसे हम एल्विलाई कह रहे हैं, एल्विलाई में आई।
हमारी बॉडी के अलग अलग अंगों से जो CO2 थी, वो भी एल्विलाई में आई और एल्विलाई के द्वारा यहाँ से बाहर निकल गई है। ये हो रहा है गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में। यही जो प्रोसेस है इसे हम डिटेल में जानेंगे, देखेंगे कि डायग्राम के माध्यम से कि कैसे चीजें हो रही हैं। अभी के लिए आप आइडिया लगाइए कि हम क्यों सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें। ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है, ये जो श्वसन हो रहा है, कहाँ पे हुआ? हमारे फेफड़ों में हुआ। और कुछ इसी प्रकार का जो श्वसन है वो कहाँ पे होता है? वो होता है हमारी कोशिका में, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। अब इसी चीज को अगर मैं बहुत छोटा करके आपको दिखाऊं तो क्या हुआ, देखिए। ये थी हमारी कोशिका, ध्यान दीजिए, ये क्या है? कोशिका है। और ये जो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता रही हूँ, हर कोशिका में क्या हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है, क्योंकि हमारा शरीर ही कोशिकाओं से मिलकर के बना है। हमारे शरीर में सिर्फ कोशिकाएं ही यहाँ पे हैं, ठीक है? यह है कोशिका। कोशिका के अंदर क्या था? ग्लूकोज था, जिसे मैं जी से दिखा रही हूँ, ठीक है? ये ग्लूकोज है, जिसे हमने क्या कहा था? पाचित भोजन भी कहा था। उसके बाद क्या हुआ? आपने सांस ली, और जब आपने सांस ली तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गई, ठीक है? जब आपने सांस अंदर ली और सांस अंदर ली तो आपने ऑक्सीजन को लिया, और ऑक्सीजन यहाँ पे कहाँ पे आ गई है? हमारी कोशिका में आ गई है। अब जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ गई तो ऑक्सीजन ने क्या किया? ऑक्सीजन ने इस ग्लूकोज को तोड़ा और यहाँ पे क्या बनाया? एनर्जी। ई से मैं क्या लिख रही हूँ? एनर्जी बनाई, और एक और चीज यहाँ पे बनाई, CO2, और जल भी यहाँ पे बनता है, H2O, ठीक है? अब एनर्जी का यूज तो क्या करेंगे आप? अलग अलग क्रियाओं को करने में करेंगे। एनर्जी का यूज क्या करेंगे आप? अलग अलग क्रियाओं को करने में करेंगे। लेकिन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई भी यूज हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो ये क्या होगा? इस कोशिका से बाहर निकल जाएगा। अब आप देखिए, एक प्रकार का श्वसन यहाँ पे हो रहा है। एक तो हमने कहाँ कहा था? जो हमारे लंग्स से, जो हमारे फेफड़े हैं, ठीक है? जो आपके फेफड़े हैं, एक प्रकार का गैसीय आदान प्रदान वहां पे हुआ था, और एक प्रकार का गैसीय आदान प्रदान कोशिका में हुआ है। तो जो कोशिका में गैसों का आदान प्रदान आपने अभी देखा, जो आप इस इमेज के द्वारा देख रहे हैं, उसे ही हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी कि कोशिकीय श्वसन कहते हैं। देखिए, श्वसन में एक ही चीज होगी, सेम ही चीज हो रही है, वो है आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन कहाँ पे हो रहा है? हमने कहा कि हमारे फेफड़ों में हो रहा है और हमारे कोशिका में हो रहा है। अब ये जो प्रोसेस है, ये हर एक कोशिका में चल रही है। तो यही चीज आपको बताई गई है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है? जो भी भोजन हम करते हैं वह कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, कि ग्लूकोज क्या होता है? यहाँ पे कोशिका के अंदर टूट जाता है, और जब जो ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज टूट जाता है, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है कि जीवित जीवों की सभी कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन से गुजरती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी में क्या हो रहा है? यहाँ पे कोशिकीय श्वसन हो रहा है। अच्छा, बात कीजिए, आपका माइक ऑन है। हाँ हेलो, जी बच्चे, नाम बताइए अपना। आशुतोष। आशुतोष, गुड आफ्टरनून। बच्चे, जब आपसे पूछा जाता है आवाज आ रही है या नहीं आ रही है, तो आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं देते हैं? देखिए, आपको रिस्पॉन्स देना है, ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए, कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 8 एट्थ के हैं, ओके। तो ये सारी चीजें आप पढ़ चुके होंगे, 7th क्लास में आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, मैम। ठीक है? वेरी गुड। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? आपके सामने आपका आंसर है, आप बस मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि कोशिकीय श्वसन में क्या हो रहा है। हम भोजन खाते हैं, ठीक है? भोजन खाते हैं, फिर कहिए आशुतोष।
एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी मिलती है, लेकिन कैसे मिलती है आप मुझे प्रोसेस बता सकते हैं, क्योंकि आपके सामने आपका आंसर ऑलरेडी है। ग्लूकोज होता है हाँ कोशिकाओं में टूटता है। ठीक है, कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है। ठीक है, कैसे टूटता है? किसे पता है कोशिकाओं के अंदर आशुतोष के टूटता है। अलावा, किस बच्चे को पता है? हैंड रेज कीजिए, किस बच्चे को पता है? सारे बच्चे 8th के ही हैं आशुतोष, सारे बच्चे 8th क्लास के हो। यस किस बच्चे को पता है बच्चे? आप सभी ने ये पढ़ चुके हैं। आप गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बच्चे नाम बताइए अपना। खुशी। खुशी। खुशी, आपके लिए सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये बताना है कि कोशिकीय श्वसन में हो क्या रहा है। मैम जब हम भोजन खाते हैं तो जो वो कोशिकाओं के अंदर जो टूटता है वो, तो जिससे हमें एनर्जी रिलीज होती है। हाँ ठीक है, खुशी कोशिकाओं के अंदर टूट क्या रहा है? मैम ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ग्लूकोज टूट रहा है। ठीक है, क्या टूटेगा? ग्लूकोज मैम, ग्लूकोज टूटता है। अब ग्लूकोज, ग्लूकोज को कौन तोड़ेगा? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन तोड़ेगा। ठीक है, और जब ऑक्सीजन ने ग्लूकोज को तोड़ा तो क्या क्या बना यहाँ पे? एनर्जी रिलीज हुई ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वेरी गुड, यहाँ पे एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। अब ये बताइए एनर्जी का हम क्या करेंगे? मैं हमें ऐसे कुछ काम करने के लिए, जैसे उससे हमको मदद मिलेगी। बिल्कुल, वेरी गुड। और ये बताइए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका हम क्या करेंगे? सांस छोड़ेंगे जिनको सांस के रूप में छोड़ देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर यहाँ पे खुशी ने किया है। तो खुशी, अब आप समझ रहे हैं कि क्यों हम सांस ले रहे हैं और क्यों हम सांस को छोड़ रहे हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ आया? तो सारे बच्चे, जैसे कि खुशी ने आंसर दिया है, सारे बच्चे ध्यान देंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बैठिए आप लोग। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या बात की है यहाँ पे? हमने कहा द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कोशिकीय श्वसन होता है वो कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स होती है, एक कोशिकांग होता है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिका के अंदर ही होगा। देखिए, सेलुलर रेस्पिरेशन कोशिकीय श्वसन कोशिका में ही होगा, लेकिन कोशिका के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है यहाँ पे? श्वसन होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात की द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ्स इन रिएक्ट्स विद द कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ग्लूकोज प्रेजेंट इन द फूड एंड रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। यही चीज हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया। हमने कहा एक जीव जो ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है, यानी कि जब सांस ले रहा है तो ऑक्सीजन को इनटेक करता है। वह भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। इसी को हम कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, ये जो आपको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। हेडिंग डालेंगे आप कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसे आप क्या करेंगे यहाँ पे नोट करेंगे। तो नोट कीजिए सारे बच्चे।
चलिए सो क्लास, आज आपने पढ़ा यहाँ पे कोशिकीय श्वसन के बारे में यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। अभी तक हमने ये जाना है कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन के दौरान क्या क्रिया होती है, श्वसन को हम क्यों करते हैं, कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए आप क्या करेंगे, इन सभी चीजों को घर से रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।